हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज है 8.10 करेंगे। ये चैप्टर 8 चल रहा है अपना। तो फिर 8.10 क्या है आपकी कि द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट हर साइड। तो देखिए इसमें क्या है, जिस हमने से पहले मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, ये सिर्फ उसका कन्वर्स है। ये मिड पॉइंट थ्योरम में आपको क्या दे रखा था कि अगर कोई ट्रायंगल की दो साइड के अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो जो अगर हम दोनों साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो वाली लाइन और थर्ड लाइन भी यानी बेस लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है। जैसे मानो ए बी सी डी है, इसकी मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी कि ए डी भी क्या है, ए डी की डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, ई हमारे ए सी का मिड पॉइंट है। तो डी ई को जब हम ज्वाइन करेंगे तो लाइन डी ई पैरेलल क्या हो जाएगी ए सी के, और डी ई क्या होती है हाफ ऑफ बी सी होती है। ये थी। अब इसका क्या है कन्वर्स है, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है कि डी क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है एक लाइन ए बी का। अब अगर हम डी को आगे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगी हमारी, ये लाइन क्या है, इस लाइन को अगर मैं प्रोड्यूस करा, जैसे इसको आगे एल बोलूँ, ठीक है ना, एल लाइन है। तो अगर हम डी लाइन को आगे प्रोड्यूस करते हैं एल, तो अभी क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। साथ ही साथ अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन ए सी लाइन को जहाँ कट करेगी उसी से ई बोला, तो ई पॉइंट भी क्या होगा, ए सी का मिड पॉइंट होगा। ये आपको प्रूफ करना है कि अगर जैसे डी ए बी का मिड पॉइंट है और डी ई अगर पैरेलल है बी सी के, तो ई हमारा मिड पॉइंट होता है मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ई अपना कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो देखो इसको पहले मैं आपको समझा देती हूँ कैसे प्रूफ करेंगे। सिंपल तरीके से क्या है कि अगर जैसे हम बोल रहे हैं कि डी है, डी मिड पॉइंट है ए बी का, और हमने इसको आगे तक बढ़ा दिया ई तक, फिर हम क्या बोल रहे हैं डी ई क्या पैरेलल है बी सी के, क्योंकि अगर ये इसका मिड पॉइंट है, जैसे हमने मान लिया ई अगर मिड पॉइंट है तो डी ई पैरेलल होना चाहिए बी सी के। अगर डी ई पैरेलल है बी सी के तो ई मिड पॉइंट है। लेकिन हम मानते हैं कि हम एक अजम्पशन मानते हैं कि ई मिड पॉइंट नहीं है, हमने क्या उल्टा मान लिया कि जैसे इसमें तो दे रखा है कि ई मिड पॉइंट होना चाहिए, लेकिन हम क्या मानेंगे कोई एक अलग ही एक और मिड पॉइंट ले लेंगे, जैसे हमने पॉइंट ए लिया है, और हम क्या बना लेंगे डी को एफ से इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, थ्री पॉइंट हमने बना दिया। तो डी एफ हमने क्या बोला कि एफ मिड पॉइंट है ए सी का, तो जब डी को एफ से ज्वाइन करेंगे तो डी एफ पैरेलल होना चाहिए बी सी के, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई पॉइंट है, ये क्या है इसका मिड पॉइंट है, तो डी ई इज पैरेलल बी सी। तो ऐसा हो सकता है क्या कि डी एफ भी पैरेलल बी सी हो, डी ई भी पैरेलल बी सी हो, ये नहीं हो सकता। तो हमने जो हमारा अजम्पशन माना एफ कि एफ मिड पॉइंट है ए सी का, ये क्या है रॉन्ग है। तो अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो हम क्या बोलेंगे कि ई ही क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का। या आप ये भी बोल सकते हैं ई और एफ ये दोनों क्या एक ही पॉइंट हो गए, तब जाके इनके बीच अगर डिस्टेंस जीरो कर दें, यानी डी ई और एफ अगर एक ही पॉइंट हो गए तब जाके ये क्या हो जाएगा डी ई पैरेलल हो सकता है बी सी के। तो हमने जो हमारा अजम्पशन माना वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो आप आइए इसको लिखते हैं। सो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ आपको गिवन है उस गिवन को लिख लोगे, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये दिया गया है। तो हम क्या लिखते हैं इन अ ट्रायंगल ए बी सी, हम क्या बोलेंगे डी इज मिड पॉइंट ऑन ए बी लाइन, ठीक है, या ए बी साइड लिख लाइन साइड लिख लेते हैं। बी क्या है हमारा मिड पॉइंट है ए बी साइड का। इसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर हम मानो कि एक लाइन पैरेलल है डी है ना, बी से एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और डी ई एक हमने क्या लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने एल, ठीक है। तो हमने पहले बोल दिया डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड हम बोलेंगे एल थ्रो लाइन, एल थ्रो एल थ्रो डी टू एल पैरेलल, थ्रो डी टू पैरेलल डायरेक्ट लिख लेते हैं। इसके इसकी डायरेक्ट लिख लो, देखो ये लाइन है ना, ये हमने क्या करें लाइन एल मान ली, जैसे इसको हमने माना ना एल थ्रो डी
पैरेलल लिख लो, डायरेक्ट लिखो ऐसे पैरेलल कितना हो जाएगा बीसी, ठीक है। यानी हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो किसके पैरेलल है बीसी के, एंड हम लिख सकते हैं एंड इट इंटरसेक्ट इसे कॉपी कर लीजिए।